हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी बोलो। मैं हूं आपका होस्ट शुभम और आज हम देख रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट जो कि जगतपुरा में हमें मिलने वाला है। और यहां पे जो है ये जो प्रोजेक्ट है ये है 3 BHK का। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ। जैसे ही हम फ्लैट में एंटर होते हैं तो यहां पे हमें जो मिल रहा है एक बहुत ही शानदार हॉल, कुछ इस तरीके से फॉल सीलिंग की डिज़ाइन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी खास बात जो है इस प्रोजेक्ट की कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 1400 स्क्वायर फीट में मिलने वाला है हमें और हर एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही फ्लैट है, सबसे अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात कि ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग होने वाली है और बेडरूम्स की जो साइज़ है वो 14x10 स्क्वायर फीट की है। और यहाँ पे हम सोफ़ा सेट भी लगा हुआ देख रहे हैं, ये भी इसके अंदर ही इंक्लूड है। अब हम जाते हैं किचन की तरफ। किचन कुछ इस तरीके से होने वाली है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा वॉश बेसिन हमें दे रखा है यहाँ पे। अब हम चलते हैं जस्ट किचन के जो बगल वाला जो रूम है जो कि बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम है, उसके अंदर ये कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। ऊपर सीलिंग की डिज़ाइन हम दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से होने वाली है। और उसी के बगल में जो है हमें वार्डरोब्स मिलने वाली है। ऊपर की आप डिज़ाइन दे सकते हैं फॉल सीलिंग की। और ये जो विंडोज़ हैं ये एल्यूमिनियम विंडोज़ हैं अपने साउंड प्रूफ। और ये इसके साथ में अटैच बालकनी और किचन की ओपनिंग्स भी हैं यहाँ पे। और बालकनी में भी बहुत अच्छा काम कर रखा है, ऊपर PVC फॉल सीलिंग कर रखी है। और बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से होने वाला है जैसा कि हमने इंट्रो वीडियो में भी देख लिया था। आइए चलते हैं अंदर और भी रूम्स की तरफ। तो ये जो है दूसरा रूम। जो कि आपके बच्चों के लिए हो सकता है या कोई गेस्ट रूम आप इसको बना सकते हैं या अपने पेरेंट्स के लिए इसको रख सकते हैं। इसमें भी अटैच लैट बाथ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और वार्डरोब भी यहाँ पे दे रखी है हमें बहुत ही अच्छी वुडन फिनिश में। खोल के देख लेते हैं ज़रा वार्डरोब्स को, कुछ इस तरीके से काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी सारा स्पेस हमें देखने को मिल रहा है इसमें। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रूम की ओर जो कि है हमारा तीसरा रूम। उसी के बीच में हॉल में भी हमें एक वॉशरूम मिलता है जो कि इंडियन स्टाइल है, कुछ तरीके से फिटिंग है। नेक्स्ट जो बेडरूम है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। अच्छा, सारे रूम की साइज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार साइज़ है। और ये वार्डरोब यहाँ पे आपको मिल रही है। साथ ही साथ इस वार्डरोब की एक खास बात, यहाँ पे हमें मिलता है एक सीक्रेट रूम जहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं, बहुत ही शानदार बनाया गया है। आप अपना सोना चांदी सुरक्षित रख सकते हैं छुपा करके दो कपाट। और ये हम देख रहे हैं इसी का ही वॉशरूम जो कि यूरोपियन स्टाइल में है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बगल में ही एक बहुत ही बढ़िया हमें लॉबी, छोटी पीछे से जो बैक लॉबी जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे है, जो कि वेंटिलेशन का भी काम करेगी। ऊपर हम वेंटिलेशन दे सकते हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग वेंटिलेटेड है, फुली ईस्ट फेसिंग है। यहाँ पे हमें टैप्स मिल रहे हैं वॉशिंग के लिए, वॉशिंग मशीन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स। और बाथरूम के लिए, आपके वॉशरूम के लिए यहाँ वेंटिलेशन भी है। और
और इसकी जो फॉल सीलिंग की जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है, इस तरीके की है। हम हॉल की फॉल सीलिंग को भी देख लेते हैं एक बार। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये, और प्राइसिंग जो है इसकी 35 लाख प्लस जो है इसकी स्टार्ट है, और जी अप्रूव्ड है, लोनेबल है, जल्दी ग्रैस्प करें। प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग है सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की, और स्पेशियस फ्लैट है आपकी फुल लोडेड फैमिली के लिए। और यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। सी यू, बाय बाय।